हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक एंट्री लेवल की राइडिंग जैकेट जो कि राइनोक्स की तरफ से है। ये है वो बॉक्स, तो चलिए इसको अभी अनपैक करते हैं। ये है राइनोक्स एयर GT3, इसका मॉडल नेम है और ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है। अगर आप दूसरे कुछ कलर खरीदना चाहते हैं तो आप वो भी खरीद सकते हैं और इसका जो कॉस्ट है वो नियर अबाउट 5,750 रुपीज़ है। अगर आप अमेजन से ख़रीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, क्योंकि अमेजन में कभी कभी क्या होता है कि इसका स्टॉक नहीं रहता है, अगर स्टॉक रहता है तो साइज नहीं रहता है, तो साइज रहता है तो कलर नहीं रहता है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो लकीली मुझे अमेजन से ये कलर एंड साइज मुझे मिल गया, तो मेरा साइज XL है क्योंकि मेरा हाइट 6 फीट है एंड मेरा वेट 85 kg है। और ये GT3 मॉडल है, तो इस मॉडल में आपके साथ इसके साथ कोई भी जो इनर लाइनर्स है विंटर का हो गया या रेन का हो गया वो मिलने वाला नहीं है, वो आपको सेपरेट खरीदना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी पहनते हैं और देखते हैं कि मेरे ऊपर ये कैसा फिट हो रहा है, कैसा फिट हो रहा है मुझे। मैं थोड़ा एक बार खड़ा होकर दिखा दे रहा हूँ आपको। ये कुछ इस तरह का है और ये हैंड कुछ इस तरह का फिट हो रहा है मुझे, क्योंकि आप इधर एडजस्ट कर सकते हैं। बैक साइड से कुछ इस तरह का है फिट, आप देख सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप कभी भी इस टाइप का जैकेट खरीद रहे हैं तो ज़्यादा लूज या ज़्यादा टाइट मत खरीदिए, ऐसा फिट खरीदिए जिससे कि क्या होगा ना, फ्यूचर में कभी इसके साथ इसके अंदर आपको विंटर का लाइनर पहनना हो तो आप अच्छा से उसको पहन सकते हैं। मतलब विंटर लाइन पहनने के बाद और ये जैकेट पहनने के बाद आप पूरा कंफर्टेबल हो सको और अच्छा सा बाइक चला सको, तो वो थोड़ा माइंड में रख के आपको प्रॉपरली जैकेट खरीदना चाहिए। और इसका जो जिप्स है ये पूरा फाइन है, एकदम परफेक्ट है ये। और आपको दो पॉकेट, साइड में दो पॉकेट देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी जिप लगा हुआ है इधर, और एक इधर भी है, इसमें भी जिप लगा हुआ है। और ये जो वेलक्रो से इधर आप देख रहे हैं, अगर एक ब्रांड का आप ले रहे हैं तो आपको प्रॉपरली डिटेलिंग में दिखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें डिटेली आपका जो वेलक्रो का ब्रांडिंग इधर भी हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पीछे से ये आप देख सकते हैं कि राइनोस का ब्रांडिंग है, आगे आप देख सकते हैं कि ये राइनोस का लोगो है, तो इससे क्या होता है कि एक ब्रांड फील होता है और अच्छा भी लगता है। तो पहले जानते हैं इसके मटेरियल के बारे में। इसमें जो तो मटेरियल यूज़ किया गया है ये टू टाइप्स का है। तो पहले जो ये जो मटेरियल है, ये वाला मटेरियल, ये जो शोल्डर पे और ये हैंड्स पे बोथ साइड पे, ये मटेरियल का नाम है PU कोटेड पॉलिस्टर। ये एक एवरेजन रेजिस्टेंस है, इसका मतलब अगर आपका एक्सीडेंट होता है, छोटा मोटा नॉर्मल स्क्रैच होता है, तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब ये सह सकता है। और आपका ये जो सेकेंड टाइप का मटेरियल है ये यूज़ किया गया है ये बैक साइड में और ये हैंड के जो लोअर साइड्स में इधर, और आपका ये फ्रंट साइड इधर। तो ये बेसिकली क्या है ना, वेंटिलेटेड पार्ट है, ये इधर से वेंटिलेशन होता रहता है। तो इसका जो मटेरियल है वो 3D मेश टाइप का मटेरियल है, तो इसलिए क्या होता है कि अगर आप गर्मी में बाइक चला रहे हैं तो अच्छा सा ब्रीथ कर सकता है, ये ब्रीदेबल मटेरियल है। ये कुछ सेफ्टी फीचर्स बता रहा हूँ, तो सेफ्टी व्यू पॉइंट से और इस प्राइस रेंज में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि इसमें CE लेवल 2 का प्रोटेक्टर प्रोवाइड किया गया है। मींस इसमें आपका जो ये आर्म प्रोटेक्टर है और ये जो एल्बो प्रोटेक्टर है और इसके साथ आपका बैक प्रोटेक्टर भी दिया गया है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ये जो प्रोटेक्टर्स है, ये वाला प्रोटेक्टर है, ये आप इसको निकाल भी सकते हैं, ऐसे करके आप इसको निकाल भी सकते हैं। ये हो गया आपका प्रोटेक्टर्स। तो इस तरह का बोथ आपका जो आर्म में ये प्रोटेक्शन दिया गया है और बैक साइड में भी सेम इस तरह का बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दिया गया है। इधर आप देख पा रहे होंगे इतना बड़ा प्रोटेक्शन आपको दिया गया है। और इसमें आपको जो चेस्ट प्रोटेक्टर नहीं मिलता है, लेकिन इसको आप लगा सकते हैं। तो इधर आपको चेस्ट प्रोटेक्शन के लिए ये जो सिस्टम दिया गया है, इधर आप चेस्ट प्रोटेक्टर डाल सकते हैं बोथ साइड में। इसका एक दूसरा मॉडल है जो कि अर्बन X मॉडल है, उसका प्राइस नियर अबाउट 1000 ज़्यादा है इसमें। और इसमें ये चेस्ट प्रोटेक्टर आता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आता है। और ये जो चेस्ट प्रोटेक्टर है आपको ये राइनोक्स के उसके जो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, और ये CE लेवल 1 का प्रोटेक्टर है। अगर चेस्ट में आपको प्रोटेक्टर लगाना है तो लेवल 1 का, बाकी जो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो प्रोटेक्टर दिया गया है इसके साथ, जैसे कि हो गया एल्बो पे और शोल्डर पे और बैक पे, ये CE लेवल 2 का है। तो सेफ्टी फीचर्स में ये अच्छा है। तो चलिए अभी देखते हैं इसके कुछ
स्पेशल फीचर्स के बारे में। तो पहला फीचर्स ये है कि इसमें ये जो ग्रे कलर का स्ट्राइप दिख रहा है ना, ये और ये ग्रे कलर का, ये एक्चुअली रिफ्लेक्टर से, इधर भी देख सकते हैं आप, इधर ये जो आर्म पे है और ये बैक साइड में है, ये सब रिफ्लेक्टर से, क्योंकि अगर आप नाइट में राइडिंग कर रहे हैं तो अगर लाइट आता है आपके ऊपर तो ये रिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद ये जो हैंड्स एरिया में आप देखेंगे, ये जो वेलक्रोस है ये एडजस्टेबल है, आप इसको आपके फिटिंग के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये तीन जगह पे है, इधर भी है आपका, ये और ये और ये, ये तीन प्लेस में है और आपके वेस्ट पार्ट में भी है। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा कमर में लूज हो रहा है तो ये आप एडजस्ट करके आपको प्रॉपर फिट कर सकते हैं इसको। और सेकेंडली अगर इधर आप देखेंगे, ये साइड में एक जीप है, मीन्स ये एक पॉकेट है, तो इस पॉकेट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्ट्रैस पॉकेट बोलते हैं, जो कि वाटरप्रूफ है। इसमें आपका मोबाइल या कुछ आपका जो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप रख सकते हैं। और सेकेंडली क्या है, इसके नीचे इधर इधर एक जीप दिया गया है, ये वाला पोर्शन में देख सकते हैं। अगर कभी आप राइडिंग पैंट खरीद रहे हैं तो इसके साथ एज ए सूट आप इसको अटैच कर सकते हैं पैंट को, इससे क्या होगा कि आपका पैंट प्रॉपरली आपके जैकेट के साथ फिट हो जाएगा। और आप इधर देख सकते हैं ये जो कॉलर एरिया में, इसमें क्या होता है कि ये नियोप्रिन का ट्रिम से, और इधर आपका जो कफ एरिया है और इसमें भी आपका सेम नियोप्रिन का ट्रिम्स दिया गया है। इससे क्या होता है कि ना हैंड्स और ये जो कॉलर के एरिया में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो। जैकेट के साथ आपका ब्रांड वारंटी 6 मंथ का आता है और इसके साथ विंगमैन का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो कि 1 ईयर का है और उसका जो प्राइस है वो 50,000 है, वो भी मिलता है। इसके साथ आपको ये जो टैग्स है, ये टैग में आपको एक जो बार कोड दिख रहा होगा, अगर आप इसको स्टोर से खरीद रहे हैं तो इसको पहले आपको जो इसका राइनोस का साइट है उसमें जाके इसको रजिस्टर करना है और इसको स्कैन करके इसका जो इंश्योरेंस है वो आपको रजिस्टर कर लेना है। अगर आपको इसको वॉश करना है तो इसके बारे में मैं थोड़ा बोल देता हूँ आपको। अगर कभी भी आप इसको वॉश कर रहे हैं तो क्या करना है, पहले सारे जीप को आपको अनजिप करना है, ये वेलक्रोस को खोल देना है ऐसा। उसके बाद ल्यूकॉम वाटर से, कोई भी माइल्ड डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट से आपको क्या करना है ना, इसको हाफ एन आवर के लिए उसको सोक करके रखना है। उसके बाद इसको अच्छा सा क्लीन करना है एंड आपको एक कूल एंड ड्राई एरिया में इसको ट्राई करना है इसको सूखने के लिए। तो ये था राइनोक्स एयर GT3 के बारे में एक डिटेल्स वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो और कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपको कुछ सजेस्ट करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। तो लास्टली मैं ये बोलूँगा कि मेरे चैनल को जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।